आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बना रहा हूँ। प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैं हर वीक में वीडियो बनाता हूँ, पिछले वीक में भी बनाया था, तो आज हम फिर उसी प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की जो वेबसाइट है canada.ca, उसका ये जो वेब पेज है चेक प्रोसेसिंग टाइम्स का जो वेब पेज है वो मैंने खोला हुआ है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी जो टेम्परेरी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग, वर्किंग, एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद में जो मैंने टाइप ऑफ वीज़ा है वो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा भी सिलेक्ट किया हुआ, और अपना होम कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके मैंने जैसे ही ये गेट प्रोसेसिंग टाइम को क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो प्रोसेसिंग टाइम है 155 डेज आ रहा है आज। ये जो पिछले वीक में था ये 152 डेज था, तो इसमें 3 दिन की बढ़ोतरी हो गई है, 3 दिन ये और बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं एप्लीकेशन लगा रहे हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और उसके लिए बहुत रश है क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग है, और फिर भी ये जो टाइम है बढ़ता जा रहा है, इससे साफ पता लग रहा है कि काफ़ी लोग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं। और क्योंकि सिर्फ 3 दिन ये प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा है, तो इससे पता लगता है कि जो कनाडा की एम्बेसी है वो भी जल्दी से जल्दी सारा बैकलॉग क्लियर करने में लगी हुई है, और वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे रही है। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये अपडेट हुआ है 12 जुलाई 2022 को, 12 जुलाई 2022 को ये अपडेट हुआ है। तो ये हर वीक अपडेट होता है, तो इसमें जो आज का जो प्रोसेसिंग टाइम है 155 डेज है विजिटर वीज़ा का इंडिया से। अब हम चेक करते हैं जो वर्क परमिट के लिए कितना टाइम चल रहा है। तो हम इस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, और यहाँ पे अपना जो होम कंट्री है इंडिया सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये गेट प्रोसेसिंग टाइम को क्लिक करते हैं, तो ये 44 वीक्स आज शो कर रहा है, जो कि पिछले वीक ये 43 वीक्स था। तो वर्क परमिट में भी जो है 1 वीक की बढ़ोतरी हुई है, 1 वीक जो टाइम है वर्क परमिट का बढ़ गया इंडिया से। तो इससे क्या होगा कि जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है वो डिले होती जा रही है थोड़ी, उसके में भी 1 वीक का टाइम और बढ़ गया। तो ये थोड़ा बहुत जो है जो टाइम बढ़ता रहता है कम होता रहता है ये आम सी बात है। तो इससे आप ये चीज़ का जज कर सकते हैं कि जो एम्बेसी है वो वर्क कर रही है, फुल स्पीड पे वर्क कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस ही आ रहा है, तो इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसके इस तो इस चीज़ को देख के आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करिए, उस हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाइए और उसको अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग में डालिए। अब हम देखते हैं कि वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा का कितना टाइम आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा और गेट प्रोसेसिंग टाइम को क्लिक करते हैं। इसमें भी जो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन के ऊपर जब हम जाते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का 159 डेज आ रहा है प्रोसेसिंग टाइम, जो कि 1 दिन बढ़ गया पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते 158 डेज था, और जो पेपर एप्लीकेशन है वो पिछले हफ्ते 149 डेज था, और वो कम हो गया है, इस बारी वो 145 डेज हो गया। तो ये देखिए कि इसमें भी वेरिएशन आ रही है, इससे भी पता लग रहा है कि लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं और जो एम्बेसी है उसको बहुत जल्दी प्रोसेस कर रही है। तो इन चीज़ों से हमें नॉलेज हो जाती है कि हमने किस वक्त अपनी एप्लीकेशन लगानी है और उनको उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। अब हम वापस चलते हैं विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा से, तो इसमें गेट प्रोसेसिंग टाइम जब हम क्लिक करेंगे तो 155 डेज आ रहा है। तो मैं हमेशा इस वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने जब भी एप्लीकेशन लगानी है तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है इसको देख के अपनी एप्लीकेशन में अपनी जो आइटनरी है वो बनाइए, और अपनी जो लीव लेटर है उसके हिसाब से लीजिए, ताकि ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को सफिशेंट टाइम दे सकें उसको अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। अगर आप बहुत जल्दी अपनी आइटनरी उसमें लगाएंगे, बहुत 15 दिन के बाद की आइटनरी लगा देंगे और अपनी लीव लेटर भी 15 दिन के बाद की लगा देंगे, तो इसमें क्या है कि वीज़ा ऑफिसर को टाइम नहीं मिलेगा आपकी एप्लीकेशन को जज करने के लिए, तो वो रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, वीज़ा ऑफिसर को सफिशेंट टाइम दीजिए और अपनी जो फाइल है वो प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली बनाइए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है अपना विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाने के लिए या टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाने के लिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि होटल बुकिंग पे क्यों आपको वीज़ा मिलता है, तो उसका मैंने आपको उसमें बड़ा डिटेल में कारण बताया था।
तो अगर आप होटल बुकिंग पे अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द लगा दीजिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी, तो आप अपने जो टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन है उसको आप लेट मत कीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे आपको उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि टाइम के साथ जो रूल्स है वो बदल जाते हैं और मतलब सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। तो ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी टेम्प्ररी पॉलिसी भी चल रही है जिसमें लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पे वर्क परमिट मिल रहा है कनाडा में इजीली, तो ये चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं आप अगर आप अभी एप्लीकेशन लगाएंगे। इसके बाद क्या है कि आने वाले टाइम में जैसे ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप चल रहा होने जा रहा है अक्टूबर में, तो उसके कारण क्या है कि काफ़ी लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए जाएंगे, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे भी क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट को भी एक कंपटीशन फील होगा कि लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वो भी यहाँ पे जो लोग कनाडा को विजिट करना चाहते हैं तो उनको वो इंसेंटिव देंगे, उनको ये फायदा देंगे कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा वीजा देंगे कि लोग कनाडा भी घूमने आए। हर कंट्री में इस चीज का कंपटीशन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उनके कंट्री में आए, तो इसके कारण जो आने वाले टाइम में आने वाले 2-3 महीनों में जो कनाडा की एम्बेसी है ज्यादा से ज्यादा वीजा इशू करेगी और देश के लोगों को, तो उसमें इंडियंस को भी फायदा मिलेगा। इंडिया के लोग हैं वो उनको भी काफी ज्यादा वीजा मिलने के चांसेस है। तो आप ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इसमें अगर आप वीजा अपना लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल इमीडिएटली अपनी प्रोसेस में डाल दीजिए ताकि आपको ये आने वाले टाइम का फायदा मिल सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मैंने बात समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। इसके बाद जो अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को फ़ोन करके जो फोन नंबर मेरा इस वीडियो के स्क्रीन पे आ रहा है उसके ऊपर फोन करके आप मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मेरे को ऑफिस में मिलके अपनी फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर उसका क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको जरूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय।